जीत और क्या हार, इस सब से तो हमारी नागिन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सिचुएशन चाहे जो भी हो, एंड में तो हमेशा नागिन ही जीतती है। सामने आया नागिन का सच, वृंदा के निशाने पर मिली, नागिन वृंदा की गुड न्यूज। कलर्स के सीरियल नागिन 4 में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ जहरीला खेल। भाई घर में सभी बेहद खुश हैं, क्योंकि नागिन वृंदा है प्रेग्नेंट और इसीलिए सभी उसकी देखभाल में लगे हैं। लेकिन सच ये नहीं है, असल में वृंदा ने लिली की प्रेगनेंसी का सच छुपाने के लिए खुद को प्रेग्नेंट बताया है। वृंदा प्रेग्नेंट है, अब देव और वृंदा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, तो वृंदा प्रेग्नेंट कैसे हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। यस, वृंदा इज प्रेग्नेंट, बट एक्चुअली वो किसी और का पाप अपने सर पे ले रही है। इस घर की दो जो बहुत सुशील लड़कियां हैं, एक्चुअली दे हैव अ बॉयफ्रेंड और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बट उनका सच छुपाने के लिए मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ। सो आई गेस या आई एम द गुड बहू आफ्टर ऑल। वहीं दूसरी तरफ नागिन वृंदा अपने असली रूप में आती है, जिसे मिली देख लेती है और घबराकर चिल्लाने लगती है, और ऐसे में नागिन वृंदा उसे धमकी देकर चुप करने की कोशिश करती है। लेकिन मिली चुप नहीं बैठती और घर वालों के सामने वृंदा के नागिन होने का सच बोल देती है। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रही हो तुम, ठीक से बोलो। उसे नशे में समझकर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। Just stop it, I said. जिसने मेरा सच खोला उसकी मौत है, सो आई थिंक अभी मिली has got to know the truth, तो वो वैसे ही नहीं बचेगी। मैंने प्यार से समझाया उसे पर नहीं मान रही है, तो आई थिंक आई एम गोना किल हर नाउ। दे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता इन सब चीज़ों में, इसे बैक स्टोरी भी पता नहीं है क्या है। बाकी सब लोग काफी घबरा गए थे, जो घर के बड़े लोग हैं। भाई इस बार तो नागिन का सच सबके सामने आते आते रह गया और उसे देव और घर वालों का सपोर्ट भी मिल गया, लेकिन देखना होगा कि नागिन वृंदा कब तक अपने नागिन होने का सच सबसे छुपाती है, क्योंकि अभी तो उसे नागिन विशाखा का भी सामना करना है। भाई सीन में तो महाड्रामा हो रहा है, लेकिन ऑफ स्क्रीन नागिन के सभी सितारे क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। कलर्स के सिनेप्लेक्स रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के लिए, जिसमें कलर्स के सभी सितारे क्रिकेट को सपोर्ट करते नजर आएंगे। आई थिंक बहुत ही अच्छा कॉज है दैट रोड सेफ्टी के लिए ये क्रिकेट खेला जा रहा है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी नाइस, लोगों को ये अवेयरनेस दिलाना कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट रोड सेफ्टी इज़, एंड आई एम रियली, जो भी मैंने थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला, जस्ट द कॉज इट्स सेल्फ इज सो अमेजिंग कि मुझे वो 10 मिनट खेल के भी बहुत मज़ा आया। ऑनेस्टली मैं गाड़ी चलाने से बहुत डरती हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, आपको कहानियाँ सुनने मिलती हैं, तो आई एम जस्ट होपिंग कि इससे वो एक चीज़ चेंज हो जाए। एंड जहाँ तक रोड सेफ्टी का सवाल है, मी एंड माई हस्बैंड ट्राई टू फॉलो द रूल्स एज मच एज पॉसिबल, एंड हम बिल्कुल रूल्स को तोड़ते नहीं हैं, सो दैट यू नो एवरीबडी इज सेफ। हम अगर सही से चलाएंगे तो यू नो वी कैन अश्योर सेफ्टी, एंड दैट्स वॉट वी हैव टू प्रमोट एंड यू नो एजुकेट पीपल कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट्स टू बी सेफ ऑन द रोड्स। आज तक ब्यूरो।